नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा आयोजित हो रही है उसमें हमें जो नशा मुक्ति अभियान है उसके संबंध में भी चर्चा करना है। उसमें क्या क्या चर्चा करना है वो मैं पूरा वीडियो में दिखाऊंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश वाचन भी करना है, तो वो संदेश वाचन में PDF में अपलोड भी कर दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं और आसानी से संदेश का वाचन कर सकते हैं, या तो वीडियो प्ले कर दोस्तों आप आसानी से संदेश वहाँ पर सुना सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा दोस्तों वीडियो में एक एक बात स्पष्ट करूँगा, तो आप पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको 3 आदेश दिखाऊंगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश हैं जो कि हमें कल 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में करना है, या उसके आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम तीनों आदेश एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश निकाला गया है। क्रमांक देख सकते हैं आप 14547 भोपाल, दिनांक 30/9/2022 को ही निकला है। प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित नशा मुक्ति अभियान दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, इसके संबंध में है। तो क्या है संदर्भ दिया हुआ, ये संदर्भ वाला पत्र क्रमांक मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से निकला है। तो कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित नशा मुक्ति अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे, अतः दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक नशा मुक्ति अभियान के संबंध में वेबसाइट, जो आपको सबको पता ही है, मैं और बता दूंगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। CM इवेंट्स की जो वेबसाइट है webcast.gov.in/MP/CM events के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। ग्राम सभा में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखने और सुनने की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जैसे कि आप सभी को पता ही है वेबकास्ट, हम जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वेबकास्ट के माध्यम से ग्राम सभा में लाइव प्रसारण दिखाते हैं, और उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स भी हमसे हमारे वरिष्ठ कार्यालय जैसे जनपद पंचायत जिला पंचायत द्वारा मांगे जाते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से दोस्तों हमें दिखाना है। संलग्न उपरोक्त अनुसार प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। अब मैं वो आदेश दिखा देता हूँ जो कि इसके संदर्भ में दिया हुआ था। तो ये आदेश पर हम सीधे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं भोपाल, दिनांक 30/9/2022 को ही निकला है। प्रति समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश। विषय है दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित नशा मुक्ति अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वेबकास्ट जिलों एवं निकायों में कराए जाने के संबंध में। विषयांतर्गत लेख है कि 2 अक्टूबर 2022 को अपराह्न 12:30 बजे से 2 बजे तक लाल परेड ग्राउंड पर माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित नशा मुक्ति अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उक्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वेबकास्ट जो हमने देखा दूरदर्शन मध्य प्रदेश एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को आपके जिले में आयोजित हो रहे नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत समस्त ग्राम सभाओं निकायों में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित नशा मुक्ति अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण भी कराया जाने तो समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें। प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा यह आदेश निकाला जा चुका है, और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, तो 2 आदेश हमने देखे नशा मुक्ति अभियान के संबंध में, जिसका कि हमें ऑनलाइन प्रसारण भी दिखाना है 12:30 से 2 बजे के बीच में। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण, जो कि हमें संदेश सुनाना है मुख्यमंत्री जी का, तो वो आदेश क्या निकला है वो देख लेते हैं। पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक 14553 भोपाल, दिनांक 30/9/2022 को निकला है। प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय है 2 अक्टूबर 2022 से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन। मैंने दोस्तों इसका एजेंडा ही पूरा दिखाया, आज हम देखेंगे जो हमें संदेश भी वाचन कर दिखाना है। ठीक है, सारी चीज़ें दोस्तों हमें जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे वरिष्ठ कार्यालय जनपद पंचायत जिला पंचायत को जानकारी देने में भी दिक्कत नहीं हो, और हमारा कार्य सुगमता पूर्वक सही तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप एजेंडा भी है ना, और संदेश भी, और जो
नशा मुक्ति अभियान, उसका प्रसारण, सभी चीजें आसानी से हो सके। संदर्भ दिया हुआ है पंचायत राज संचालन का पत्र क्रमांक दिया हुआ 28/9/2022 का। विषय एवं संदर्भ के अनुक्रम में लेख है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट, इसका अंतर्राष्ट्रीय मिलेट का हिंदी वर्ड है पोषक अनाज, पोषक अनाज, मिलेट का मतलब है पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है, जिसके तारतम्य में प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जानी है। प्रदेश में मिलेट फसलों को खान पान में शामिल करने तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2022 से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं की कार्यवाही में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के संदेश को सम्मिलित किया जाना है। संदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। मैं ये संदेश आपको अभी वाचन भी करूंगा दोस्तों, और इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप आसानी से प्रिंट लेकर आप संदेश का वाचन सभी ग्रामीण जनों से करा सकें, ठीक है। तो अतः कृपया 2 अक्टूबर 2022 से आयोजित होने वाली ग्राम सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन के संलग्न संदेश का वाचन सम्मिलित करने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार है, अपर संचालक महोदय पंचायत राज संचालन ने मध्यप्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है, आप संदेश और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। अब मैं आपको दोस्तों वो संदेश आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये संदेश है दोस्तों 2 अक्टूबर 2022 को आयोजित ग्राम सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन का संदेश। प्यारे किसान भाइयों, प्यारे किसान बहनों एवं भाइयों, आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट पोषक वर्ष घोषित किया है। अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं, इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं, साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिसके कारण हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। मिलेट फसलों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है। इस अवसर पर आप सभी से अपील है कि पोषक अनाज फसलों के पौष्टिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पोषक अनाज मिलेट, कोदो, कुटकी, रागी, सावा आदि से बने व्यंजनों को अपने आहार में सप्ताह में कम से कम एक दिन अवश्य सम्मिलित करें, शामिल करें। इसमें दो प्रकार के लाभ होंगे, पहला स्वयं का स्वास्थ्य लाभ तथा दूसरा हमारे साथी किसान जो इन फसलों की खेती कर रहे हैं उनको उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तथा प्रदेश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आज 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मना रहे हैं, आइए इस अवसर पर हम यह प्रयास करें कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक दिन पोषक अनाज मिलेट से निर्मित व्यंजन को आहार में सम्मिलित करेंगे। जय हिंद। तो ये पूरा दोस्तों जो है जो संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इसको मैं PDF में अपलोड कर दूंगा, आप प्रिंट लेकर आसानी से कापियां करवा सकते हैं और समस्त ग्रामवासियों से को ये संदेश सुना सकते हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों ने इतनी चीज़ें बताई, इसी तहत और भी नए अपडेट से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।